अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है चैप्टर 8, द एनहांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इससे पहले तक जो हमने चैप्टर पढ़ा था दैट वाज चैप्टर 7, और उसके अंदर हमने पढ़ा था एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसके अंदर हमने देखा था कि एंटिटीज क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उनको आपस में रिलेट किस तरह किया जा सकता है, तो रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, उनको डायग्रामेटिकली हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सारी मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस करने के बाद हमने एंड में एक क्लास डायग्राम भी देखी थी। आज जो हमारा चैप्टर है एनहांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ये आपको नाम से पता चल रहा है कि ये ERD को ही थोड़ा सा मजीद हमने एक्सटेंड करके उसके अंदर एनहांसमेंट मजीद क्या क्या ऐड कर सकते हैं वो है। EER स्टैंड फॉर एनहांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, या एक्सटेंडेड ERD भी इसे कहते हैं, इसे एनहांस्ड ERD भी कहते हैं, ठीक है। और समटाइम्स इसको E2R से भी रिप्रेजेंट करते हैं। EER मॉडल में जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे, हम उसके अंदर पिछले कॉन्सेप्ट्स हमारे सारे ऐड हो रहे होंगे, एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स और उनको कैसे लिंक किया, वो सब चीज़ें वैसे की वैसे इसके अंदर भी हैं, लेकिन इसके अंदर अब मजीद एडिशनल कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे कि जी क्लासेज और सुपर क्लासेज, सब क्लासेज क्या होती हैं, स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन क्या होता है, यूनियन क्या होती है, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप इनहेरिट कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सुपर क्लास और सब क्लास क्या होती है। एन एंटिटी में हैव एडिशनल मीनिंगफुल सब टाइप्स ऑफ इट्स एंटिटीज। एक एंटिटी सिर्फ जब हम एनहांस लेवल पर देखते हैं तो माइट बी वो सिर्फ एक एंटिटी नहीं है, बल्कि डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो उसके कुछ डिफरेंट मीनिंग्स भी हो सकते हैं। वो कोई सुपर क्लास भी हो सकती है, वो कोई सब क्लास भी हो सकती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि एम्प्लॉई जो है, हम उसको मजीद फर्दर स्पेशलाइज कर सकते हैं कि एम्प्लॉई कोई सेक्रेटरी है, कोई इंजीनियर है, कोई टेक्नीशियन है, और ये हम किस बेस पर उसको मजीद स्पेशलाइज कर रहे हैं, उसकी वर्किंग की बेस पर, उसकी जॉब की बेस पर कर रहे हैं। इसी तरह से एम्प्लॉय जो है वो कोई मैनेजर भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा था कि कुछ एम्प्लॉयज मैनेजर भी हैं। इसी तरह से हम देखते हैं मजीद कि हम मजीद कोई कैटेगरी भी हम डिफाइन कर सकते हैं, माइट बी एम्प्लॉय जो है वो कोई सैलरी वाला एम्प्लॉय है, या फिर कोई वो आर्ली बेसिस के ऊपर एम्प्लॉय हायर हुआ हुआ है, ठीक। तो इस तरह हमारे पास मजीद हम एम्प्लॉई एक एंटिटी तो है, लेकिन हमारे पास मजीद हम उसको रिफाइन कर सकते हैं उसकी वर्किंग की बेस पर, ठीक है। अच्छा, EER डायग्राम क्या करता है कि जी इट एक्सटेंड ER डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट दीज एडिशनल सब ग्रुप्स, जिसे हम सब क्लास या सब टाइप भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर लिखा हुआ है जनाब के एज विद ER डायग्राम देर आर मैनी डिफरेंट डायमेटिक डायग्रामेटिक नोटेशंस फॉर ईच कॉन्सेप्ट। जिस तरह हमने ये हमने जब ERD पढ़ा तो हमने उसमें देखा था कि हम डायग्रामेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी तरह से हम यहाँ पर भी जब हम एक्सटेंडेड ERD पढ़ेंगे तो हम वो ना सिर्फ कॉन्सेप्ट देखेंगे बल्कि हम ये भी देखेंगे कि हम उनको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और इसी चैप्टर के एंड में हमारे पास क्या है जी, UML क्लास डायग्राम नोटेशन फॉर सब क्लास इज प्रेजेंटेड लेटर इन दिस चैप्टर। तो जो चीज़ हम यहाँ पर अभी कॉन्सेप्चुअली देख रहे होंगे और उसको हम देख रहे होंगे कि हम उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, फिर हम देखेंगे कि यही सारी चीज़ जो हमने पिछले चैप्टर के एंड पे एक क्लास डायग्राम पढ़ी थी, यही वाली सारी कॉन्सेप्ट जो अब हम नए सीखेंगे, ये वाले सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लास डायग्राम में किस तरह से ऐड हो सकते हैं। अच्छा, हमारे सामने एक फिगर है EER डायग्राम नोटेशन टू रिप्रेजेंट सब क्लासेज एंड स्पेशलाइजेशन। इस फिगर को देखकर आपको ये पता चल रहा होगा कि ये एम्प्लॉई एक सुपर क्लास है यहाँ पर, और मजीद इसके नीचे जो सेक्रेटरी, टेक्नीशियन, इंजीनियर और मैनेजर हैं, ये सारे इसकी सब क्लासेस हैं। इसी तरह से आर्ली एम्प्लॉई है या सैलरीड एम्प्लॉई है, ये भी इसकी सब क्लासेस हैं। तो इस केस में हमें ये पता चल रहा है कि एम्प्लॉई को मजीद हम रिफाइन कर सकते हैं, किसकी बेस के ऊपर कर सकते हैं जी, उसकी वर्किंग की बेस पर। वो सेक्रेटरी, टेक्नीशियन, इंजीनियर है, या वो कोई मैनेजर है, या वो कोई आर्ली बेसिस पर जॉब करने वाला एम्प्लॉई है, या वो कोई मंथली बेसिस पर सैलरी लेने वाला एम्प्लॉई है। तो है सारे ही सब के सब एम्प्लॉई ही हैं, लेकिन अब उनकी स्पेशलिटी की बेस पर हम इसको देख रहे हैं। ईच ऑफ दीज सब ग्रुप्स, जैसे कि इंजीनियर, टेक्नीशियन, मैनेजर और सैलरी एम्प्लॉयड, will hold a subset of employee entity. इसका मतलब है मिसाल के तौर पर employee entity के अंदर अगर 10 employees का data है तो उस 10 employees में से might be 2 engineers हो, 3 technicians हो, salaried employed जो है वो 4 हो और एक manager हो, ठीक है। इसका मतलब ये है,
ईच इज कॉल्ड सब क्लास ऑफ द एम्प्लॉय, वेरी ऑब्वियस एम्प्लॉय इज कॉल्ड सुपर क्लास, ये पीछे भी डिस्कस हो गया. द रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड सुपर क्लास सब क्लास रिलेशनशिप. मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय और सेक्रेटरी का रिलेशनशिप है, तो एम्प्लॉय और सेक्रेटरी एक सुपर क्लास सब क्लास रिलेशनशिप है. इसके अंदर एम्प्लॉय एक सुपर क्लास है और सेक्रेटरी एक सब क्लास है. इसी तरह एम्प्लॉय टेक्नीशियन रिलेशनशिप में हम देखेंगे एम्प्लॉय सुपर क्लास है और टेक्नीशियन सब क्लास है. एम्प्लॉय इंजीनियर रिलेशनशिप में एम्प्लॉय सुपर क्लास है, इंजीनियर सब क्लास है. इसी तरह एम्प्लॉय मैनेजर रिलेशनशिप, एम्प्लॉय सैलरीड एम्प्लॉयड रिलेशनशिप और एम्प्लॉय ऑर्ली एम्प्लॉय रिलेशनशिप. यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखें. ये एंड में डॉट डॉट्स का मतलब यही है कि मज़ीद भी ये चीज़ें कंटिन्यू हैं. एग्जाम्पल के तौर पर ये तीन चीज़ें आपको दिखाई गई हैं. देर इज ऑल्सो कॉल्ड इज अ रिलेशनशिप. इज अ रिलेशनशिप हमने, अगर आपको थोड़ा सा याद करें तो हमने इज अ रिलेशनशिप और हैज अ रिलेशनशिप वाली चीज़ें ऊप में पढ़ी हुई हैं. ठीक है, तो वही इज अ रिलेशनशिप सेम चीज़ है, वो यहाँ पर भी है. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इज अ रिलेशनशिप. ये सुपर क्लास सब क्लास को हम इज अ रिलेशनशिप भी कहते हैं. क्यों कह रहे हैं जनाब? बेस्ड ऑन द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टर्मिनोलॉजी इन AI फील्ड. आपने AI तो भी नहीं पढ़ी तो आप ऊप को समझ लें. जैसे कि हम कहते हैं कि सेक्रेटरी इज अ एम्प्लॉई, टेक्नीशियन इज अ एम्प्लॉई. यहाँ से देखें, सेक्रेटरी इज अन एम्प्लॉई, टेक्नीशियन इज अ एम्प्लॉई, इंजीनियर इज एन एम्प्लॉई, मैनेजर इज अ एम्प्लॉई, सैलरीड एम्प्लॉई इज अ एम्प्लॉई. तो इस तरह इन सब के इज अ रिलेशनशिप बनते हैं अपनी सुपर क्लास के साथ. ठीक. अच्छा, उसके बाद नोट में लिखा हुआ है कि एन एंटिटी दैट इज अ मेंबर ऑफ सब क्लास रिप्रेजेंट्स द सेम रियल वर्ल्ड एंटिटी एज सम of the member of the super class. Sub class member is the same entity in a distinct specific role. ये वही वाली चीज है कि एक entity आपके पास employee थी, अब उसका हमने distinct specific role जब देखा तो उनमें से कोई हमें पता चल गया technician था, कोई हमें पता चला secretary था, कोई हमें पता चला salaried employees था. ये वो वाली चीज लिखी हुई है. इसके बाद लिखा हुआ है कि entity cannot exist in database merely by being a member of subclass, it must also be a member of superclass. यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके डेटाबेस में कोई एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं और उनका सुपर क्लास से कोई रिलेशन नहीं है. इसका ये मतलब है जब भी कोई एंटिटी आप रखेंगे डेटाबेस में तो उसका सुपर क्लास के साथ कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए. ठीक है, ओके. उसके बाद लिखा है, a member of the superclass can be optionally included as a member of any number of its subclasses. ये सिंपल सी बात लिखी हुई है. ओके, नेक्स्ट में हमारे पास एग्जाम्पल्स गिवन है. मिसाल के तौर पर, अ सैलरीड एम्प्लॉई हु इज ऑल्सो एन इंजीनियर बिलोंग्स टू टू सब क्लासेज, इंजीनियर एंड सैलरीड एम्प्लॉई. इसी तरह से अ सैलरी एम्प्लॉई हु इज ऑल्सो एन इंजीनियरिंग मैनेजर बिलोंग्स टू थ्री डिफरेंट क्लासेज, मैनेजर, इंजीनियर एंड सैलरीड एम्प्लॉयज. It is not necessary that every entity in superclass be a member of some subclass. इसका मतलब है कि might be एक employee है जो कि salaried employee है, तो ना सिर्फ वो salaried employee है बल्कि वो दो subclasses से ताल्लुक रखता हो सकता है. वो salaried employee भी हो और वो engineer भी हो. इसी तरह से अगर कोई salaried employee है और वो engineer भी है तो might be वही engineer उस department का manager भी हो. ठीक है, तो ये कहते हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि जो भी एंटिटीज सुपर क्लास में है वो सब क्लास का मेंबर भी हो. ओके, एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस इन सुपर क्लास सब क्लास रिलेशनशिप. इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में हमने ऊप में देखा है कि जब भी इनहेरिटेंस होती है तो एट्रीब्यूट और फीचर्स जो सुपर क्लास के होते हैं वो सब क्लास के अंदर इनहेरिट हो रहे होते हैं. तो एन एंटिटी सेट दैट इज अ मेंबर ऑफ सब क्लास क्या क्या इनहेरिट करता है जी? इट इनहेरिट्स सारे एट्रीब्यूट्स सुपर क्लास के और सारे रिलेशनशिप्स सुपर क्लास के. ठीक है, इनहेरिटेंस हो रही है सुपर क्लास और सब क्लास के दरमियान. तो सब क्लास क्या क्या चीजें इनहेरिट करेगी? ऊपर वाले सुपर वाली क्लास की एट्रीब्यूट्स भी इनहेरिट कर लेगी और उसके सारे के सारे रिलेशनशिप्स भी इनहेरिट करेगी. मिसाल के तौर पर सेक्रेटरी, या फिर हम कह लेते हैं इसी तरह से टेक्नीशियन है, मैनेजर है या इंजीनियर है, तो वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स इनहेरिट करेगा एम्प्लॉय से? वो जी उसका नाम ले लेगा, SSN ले लेगा, एज ले लेगा, सेक्स ले लेगा, डेट ऑफ बर्थ ले लेगा, वो सारे एट्रीब्यूट्स इन सारी सब क्लासेस जैसे कि सेक्रेटरी, टेक्नीशियन, मैनेजर, इंजीनियर एक्सेट्रा, इन सब के अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स इनहेरिट होंगे.
और अगर मैं सिर्फ सेक्रेटरी क्लास को एग्जाम्पल रख के बात करूँ, तो सेक्रेटरी में जब ये सारे एट्रीब्यूट्स इनहेरिट हो रहे होंगे, तो इस सेक्रेटरी क्लास के अंदर उन सारी एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज भी होंगी, क्योंकि हर सेक्रेटरी का कोई नाम होगा, कोई उसका आईडी होगा, कोई उसका एज होगा। इसी तरह से अगर यही सारे एट्रीब्यूट्स इंजीनियर में है, तो उस इंजीनियर का भी कोई नाम है, कोई एट्रीब्यूट कोई नाम है, कोई उसका SSN है, कोई उसकी एज है, कोई उसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो वो कहने का मतलब है सारे एट्रीब्यूट्स इनहेरिट तो हो रहे हैं सारी सब क्लासेस के अंदर, लेकिन उन सब क्लासेस में आने के बाद उन सब क्लासेस के लिहाज से उनकी वैल्यूज होंगी। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है स्पेशलाइजेशन का। स्पेशलाइजेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ सेट ऑफ सब क्लासेस ऑफ अ सुपर क्लास। मतलब द सेट मस्ट बी बेस्ड अपॉन सम डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटिटीज इन द सुपर क्लास। ये लाइन आपको यूं समझ आ जानी चाहिए कि जैसे मिसाल के तौर पर सेक्रेटरी, इंजीनियर, टेक्नीशियन, इट दे आर स्पेशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर जॉब टाइप। का मतलब है एम्प्लॉई एक एंटिटी थी, लेकिन जब हमने एक जॉब टाइप के लिहाज से उसको स्पेशलाइज किया, तो उसकी बेस पर एम्प्लॉय के अंदर रखे हुए 10 एंटिटीज का मजीद सबसेट तैयार हो गया। उनमें से मैं फर्ज कर लेती हूँ कि तीन जो है वो टेक्नीशियन है, चार इंजीनियर्स हैं और तीन ही सेक्रेटरी हैं। तो इस केस में हमारे पास ये वाली लाइन जो ये कहती है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ सेट ऑफ सब क्लासेस। हमने सेट ऑफ सब क्लासेस यानी सेक्रेटरी, इंजीनियर, टेक्नीशियन डिफाइन किए ऑफ अ सुपर क्लास। सुपर क्लास यहाँ पर क्या होगी? एम्प्लॉय। और इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन सम डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर क्लास। इसका मतलब डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक कौन सा यहाँ पर, वो है उसकी जॉब टाइप। उसके बाद है मे हैव सेवरल स्पेशलाइजेशन ऑफ सेम सुपर क्लास। और इस एग्जाम्पल में वो आपको दे रहा है कि जिस तरह से एम्प्लॉय की एक तो स्पेशलाइजेशन आपने जॉब के लिहाज से की थी कि जी वो सेक्रेटरी है, वो इंजीनियर है, वो टेक्नीशियन है। अगर आप उसी एम्प्लॉय क्लास की स्पेशलाइजेशन करें उसकी सैलरी के लिहाज से, या उसको हम पेमेंट किस लिहाज से दे रहे हैं, हम उसको आर्ली बेस पर दे रहे हैं, हम उसको वीकली बेस पर दे रहे हैं, हम उसको सैलरी बेस पर दे रहे हैं, या हम उसको कमीशन बेस पर दे रहे हैं, तो हम कहेंगे कि जी एम्प्लॉई की आगे मजीद सब क्लासेस हो जाएंगी आर्ली एम्प्लॉई, सैलरीड एम्प्लॉई, अगर मैं वीकली का भी एक रखती हूँ तो जी वीकली एम्प्लॉई। और इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ कोई कोई एम्प्लॉई ऐसा है जो कि कमीशन बेस्ड उसको मिलनी चाहिए, तो फिर कमीशन एम्प्लॉई। ठीक है, इस तरह से वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मे हैव सेवरल स्पेशलाइजेशन ऑफ सेम सुपर क्लास। इसका ये मतलब है कि एक सुपर क्लास के ऊपर कोई फिक्स नहीं है कि उसकी आगे से मजीद सिर्फ यही सब क्लासेस होंगी। अगर हम रोल कोई और स्पेशलाइजेशन के लिए कोई और पॉइंट रखते हैं कि इसके लिहाज से हमने स्पेशलाइजेशन करनी है, तो फिर उसकी सब क्लासेस डिफरेंट होंगी। ओके, स्पेशलाइजेशन कैन बी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड इन डबल ईआर डायग्राम। और वो किस तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो इस स्लाइड में हमें नजर आ रहा है। डबल ई आर डायग्राम में हमने, स्पेशलाइजेशन में हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया सिंपली रिक्टेंगल्स की शक्ल में। ठीक है, ओके, द सब क्लासेस आर कनेक्टेड टू अ सर्कल दैट रिप्रेजेंट्स द स्पेशलाइजेशन यूजिंग द लाइंस विद सबसेट सिंबल। द सर्कल इज ऑल्सो कनेक्टेड टू सुपर क्लास। ये इसकी बात कर रहा है कि ये सारी सब क्लासेस जो हैं, ये सारी स्ट्रेट लाइन के साथ कनेक्ट होने के बाद सर्कल से कनेक्ट हो रही हैं, और ये वाला सर्कल डायरेक्टली इस सुपर क्लास के साथ स्ट्रेट लाइन को इस्तेमाल करते हुए कनेक्ट किया जा रहा है। एट्रीब्यूट्स ऑफ सब क्लास आर स्पेसिफाइड स्पेसिफिक और लोकल एट्रीब्यूट। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें कि अगर सेक्रेटरी है और इसका एक एट्रीब्यूट है दैट इज टाइपिंग स्पीड, तो हम यहाँ पर कहेंगे ये एक लोकल एट्रीब्यूट है। क्यों लोकल एट्रीब्यूट है? क्योंकि टाइपिंग स्पीड जो है वो टेक्नीशियन का एट्रीब्यूट नहीं हो सकता, इसी तरह टाइपिंग स्पीड इंजीनियर का एट्रीब्यूट नहीं हो सकता। इसी तरह टेक्नीशियन है और टेक्नीशियन के पास एक टी ग्रेड उसका एट्रीब्यूट है, या फिर इंजीनियर है और वो इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है, सिविल का है, वो किस टाइप का इंजीनियर है, वो हमारे पास वो एट्रीब्यूट सिर्फ इंजीनियर के साथ ही लिंक होगा, वो सेक्रेटरी या टेक्नीशियन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। इस तरह के एट्रीब्यूट को हम कहते हैं कि ये एक लोकल एट्रीब्यूट है। ठीक है, उसके बाद है जी द सब क्लास कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन स्पेसिफिक रिलेशनशिप टाइप।
वो आपको मजीद थोड़ी सी बात ये बता रहे हैं कि जी सुपर क्लास से सब क्लास कैसे बनी, वो हमने कोई क्राइटेरिया सेट किया उसकी बेस पर बनी, फिर आपको नेक्स्ट बात ये बताएगी कि उसको डायग्राम में किस तरह रिप्रेजेंट करना है, उसी तरह से रेक्टेंगल की शक्ल में और उसको स्ट्रेट लाइन के थ्रू एक सर्कल से कनेक्ट कर देंगे, फिर उस सर्कल को हम जो है वो उस सर्कल को हम जो है वो सुपर क्लास के साथ अटैच कर रहे हैं। अब मजीद वो ये वाले पोर्शन की तरफ आते हुए बता रहे हैं कि जी जो सब क्लासेज है ना हमारे पास, जैसे मैनेजर या अर्ली एम्प्लॉई है, ये मजीद किसी रिलेशनशिप का हिस्सा भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर रिलेशनशिप बिलोंग्स टू ऑफ अर्ली एम्प्लॉय, यहाँ पर देखे एक अर्ली एम्प्लॉय है और रिलेशनशिप है उसका बिलोंग्स टू, और वो ट्रेड यूनियन से बिलोंग करता है, तो अर्ली एम्प्लॉय किसी ना किसी जगह बिलोंग करेगा। या फिर आप यूं देखें, आपके ये ज्यादा आसान है समझना कि अगर मैनेजर है तो वो एक मैनेजर के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है और वो एक एंटिटी प्रोजेक्ट के साथ लिंक्ड है। उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास सब क्लासेस हैं वो रिलेशनशिप्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन हमारे पास थी जी, हमने एक सुपर क्लास से किसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया की बेस पर हमने सब क्लासेस बना ली। अब जनरलाइजेशन क्या है? जनरलाइजेशन इज एंटायरली रिवर्स ऑफ द स्पेशलाइजेशन। जनरलाइजेशन इज रिवर्स ऑफ स्पेशलाइजेशन प्रोसेस, और उसमें क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी सब क्लासेस मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर 3 सब क्लासेस मौजूद हैं, उन 3 सब क्लासेस के जो कॉमन फीचर्स हैं वो हम करते हैं, मिसाल के तौर पर सेक्रेटरी और इस इधर ही देख लेते हैं, मिसाल के तौर पर सेक्रेटरी, टेक्नीशियन एंड इंजीनियर है, इन तीनों के अंदर मैं कहती हूँ कि नेम, एज, आईडी, ये सारे एट्रीब्यूट्स कॉमन है, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट वगैरह कॉमन है, तो ये चीजें कॉमन हम यहाँ से लेंगे और ऊपर वाली क्लास में ले जाके रख देंगे, मिसाल के तौर पर एम्प्लॉई में, तो हम इसको कहते हैं कि ये नीचे से जो कॉमन एट्रीब्यूट इकट्ठे होंगे वो ऊपर वाली क्लास में हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा आपको चल के ये और रिकॉल हो जाता है, वैसे ये कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं क्योंकि ऊप में भी हमने ये किया हुआ है। तो सेवरल क्लासेस विद कॉमन फीचर्स आर जनरलाइज्ड इनटू अ सुपर क्लास, ओरिजिनल क्लासेस बिकम इट्स सब क्लासेस। मिसाल के तौर पर कार, ट्रक जनरलाइज्ड इनटू व्हीकल। क्यों हमारे पास कार और ट्रक जनरलाइज हो रहे हैं? क्योंकि बोथ कार ट्रक बिकम क्योंकि बोथ जो कार और ट्रक हैं वो दोनों के अंदर कुछ चीजें कॉमन है। अब क्या जनाब होता है कि कार और ट्रक इस केस में बिकम सब क्लासेस ऑफ द सुपर क्लास व्हीकल बिकॉज दे हैव सेवरल कॉमन एट्रीब्यूट। कार और ट्रक में कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स कॉमन होंगे तभी तो हमें ये पता है कि वो व्हीकल है। मिसाल के तौर पर कार के जो है वो दोनों कार और ट्रक दोनों के अंदर व्हील्स होते हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ से मिसाल समझ आ जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक कार है और ये एक ट्रक है, तो कार के एट्रीब्यूट में मिसाल के तौर पर हमारे पास है जी प्राइस है, कार का लाइसेंस नंबर प्लेट है, उसका आईडी है, उसकी मैक्सिमम स्पीड है, उसके मैक्सिमम पैसेंजर्स कितने हो सकते हैं। इसी तरह से ट्रक है, ट्रक के अंदर भी प्राइस है, उसका लाइसेंस नंबर प्लेट है, ये दो चीजें तो आप देखे कॉमन ही हो गई, फिर व्हीकल आईडी ये तीसरी चीज भी कॉमन हो गई, इसके अलावा इसमें टोनेज है और नंबर ऑफ एक्सल्स है, ठीक है। अब ये वाली दो चीजें डिफरेंट है, कार की अपनी है, इसी तरह से नंबर ऑफ पैसेंजर्स, मैक्सिमम स्पीड, सॉरी ये दो चीजें ट्रक की अपनी है, नंबर ऑफ एक्सल्स एंड टोनेज, और ये नंबर ऑफ पैसेंजर्स और मैक्सिमम स्पीड जो है ये कार की अपनी यूनिक चीज है। तो जो चीजें तो कॉमन है हम उनको कॉमन निकाल सकते हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि कार और ट्रक अगर जनरल बिल्कुल बात की जाए तो ये एक दे बोथ आर व्हीकल, तो हमने यहाँ पर लिख दिया व्हीकल, और हमने यहाँ पर ये डी आगे क्या है जी, ये डी और उसके ऊपर डबल लाइन का क्या मतलब है ये अभी थोड़ा सा आगे चल के आपको पता चल जाता है। तो इस व्हीकल से आगे हमारे पास दो सब क्लासेस अब आ जाती है जनाब, हमने हमारे पास ये दो क्लासेस थी, इन दोनों क्लासेस को हमने यहाँ नीचे रखा और इन दोनों क्लासेस को हमने एक व्हीकल की क्लास से अटैच कर दिया। जो कॉमन एट्रीब्यूट थे व्हीकल, प्राइस, लाइसेंस, वो हमने इस कॉमन क्लास के ऊपर लिख दिए, और जो इन कार के अपने स्पेशल एट्रीब्यूट थे, इसी तरह ट्रक के जो स्पेशल एट्रीब्यूट थे वो इसके साथ लिख दिए। तो हमने कहा जी हमने दो स्पेशलाइज्ड चीजों से एक जनरल स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, टू एंटिटीज विच इज कार एंड ट्रक, इनको इस्तेमाल करते हुए हमने एक सुपर क्लास व्हीकल की बनाई है जो कि कार और ट्रक की जनरल फॉर्म है, ठीक है, ओके। व्हीकल इंक्लूड कॉमन एट्रीब्यूट, कार कैन वी कैन व्यू कार ट्रक एज अ स्पेशलाइजेशन ऑफ व्हीकल, ये वही बात जो आगे मैंने पिक्चर में एक्सप्लेन की है। ऑल्टरनेटिवली वी कैन व्यू व्हीकल एज अ जनरलाइजेशन ऑफ कार एंड ट्रक,
ये हम अगर यहाँ कार और यहाँ ट्रक की बात करें तो दे आर स्पेशलाइज्ड, इनके पास अपनी अपनी पूरी चीजें हैं, लेकिन जब हमने इनको जनरल सी शक्ल बनाकर दोनों को अटैच किया तो हमने जनरलाइजेशन में कहा कि ये दोनों ही व्हीकल हैं, और जो इनके कॉमन एट्रीब्यूट हैं वो जनरलाइज्ड क्लास जो ऊपर वाली सुपर क्लास अब है उसके साथ हमने अटैच कर दिए, और बाकी एट्रीब्यूट्स जो इनके स्पेसिफिक है वो उनके साथ ही अटैच कर दिए। जनरलाइजेशन वर्सेस स्पेशलाइजेशन, तो डायग्रामेटिक नोटेशन हमारे पास स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन की क्या है, इसमें कहते हैं कि आम तौर पर जो है ना वो हम जनरलाइजेशन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम जनरलाइज सुपर एरो पॉइंटिंग टू द जनरलाइज्ड सुपर क्लास रिप्रेजेंट जनरलाइजेशन, ठीक है, और एरो पॉइंटिंग टू स्पेशलाइज्ड सब क्लासेस रिप्रेजेंट स्पेशलाइजेशन। जब हम स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं जो हमने शुरू में देखा है तो हम कहते हैं कि हम स्पेशलाइज्ड सब क्लासेस की तरफ एरो का निशान बना देते हैं, और जो अभी हमने देखा है दैट इज जनरलाइजेशन, तो हम क्या कहते हैं जो ऊपर वाली एक जनरलाइज्ड क्लास है ना सुपर क्लास, हम उसकी तरफ एरो का पॉइंट रखते हैं। तो वो फिर साथ ये भी बता रहे हैं आपको आमतौर पर ये होता है, लेकिन वी डू नॉट यूज दिस नोटेशन बिकॉज इट इज ऑफन अनक्लियर और सब्जेक्टिव एज टू विच प्रोसेस वॉज यूज टू रीच द फाइनल डिजाइन, क्योंकि जब एक बिल्कुल फाइनल डिजाइन बन गया, अब मुझे नहीं पता कि मैंने मिसाल के तौर पर अब ये वाली कहानी में मुझे नहीं मालूम कि मैं व्हीकल से स्टार्ट करके कार और ट्रक की तरफ आ रही हूँ, यानी मैं ये जो ये पिक्चर सिर्फ डायरेक्ट अगर ये ना बताया जाए कि ये एग्जांपल खींच के, तो डायरेक्ट इसको देखकर ये नहीं पता चल सकता है कि जनाब व्हीकल से कार और ट्रक हमने जो है वो बनाई है और ये कोई स्पेशलाइजेशन है, या फिर कार और ट्रक से हमने व्हीकल बनाई और ये जनरलाइजेशन है। तो कहता है आमतौर पर ना हम वैसे तो हम नोटेशन अपसाइड एरो और डाउन साइड एरो की लगाते हैं, लेकिन ना हमारे पास चूंकि ये कंफ्यूजन होती है तो यूजुअली फाइनल डिजाइन में ये पता नहीं चल रहा होता, तो हम इसको इस्तेमाल आम तौर पर नहीं करते। ओके, जनरलाइजेशन वर्सेस स्पेशलाइजेशन, ये वही चीज कंटिन्यू है हमारे पास। डेटा मॉडलिंग विद स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन, अ सुपर क्लास और सब क्लास रिप्रेजेंट्स अ टाइप ऑफ एंटिटी, बिल्कुल सही, ये वही ऑलरेडी जो हम देख रहे हैं, एज वेल एज अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज ऑफ दैट टाइप। सुपर क्लास या सब क्लास एक टाइप ऑफ एंटिटी है या फिर एक कलेक्शन ऑफ एंटिटीज है, ठीक है। अच्छा, सब क्लासेस एंड सुपर क्लासेस आर डिस्प्लेड इन रेक्टेंगल्स इन डबल ईआर डायग्राम, बिल्कुल ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि हम यहाँ पर अगर सुपर क्लास है या सब क्लास है इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए कोई अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों ही रेक्टेंगल से रेक्टेंगल डायग्राम से रिप्रेजेंट की जाती हैं। वी कैन कॉल ऑल द एंटिटी टाइप्स classes whether they are entity types super class or sub class। अब हम कह रहे हैं कि हम ना इधर आकर अपनी ऊप वाली terminologies इस्तेमाल करते हैं, और super classes हो या sub class हो या कोई entity type हो हम उसको कह लेते हैं, वो simply एक class है, that's it। उसके बाद अब वो जो हमने फिगर में देखा था कि जी यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको कि यहाँ पर d क्यों लिखा हुआ है, जैसे ये वाला d, तो इसका क्या मतलब है, ये वाली चीज अब इधर एक्सप्लेन की भी है। टू बेसिक कंस्ट्रेंट्स कैन अप्लाई टू अ स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन, पहला तो है जी डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्सेस ओ ओवरलैपिंग, उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास एक और आ जाता है, दैट इज कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट, और हम कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट में क्या चीजें देख रहे हैं जी, टोटल उसको हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पार्शियल उसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिफॉल्ट इज ओवरलैपिंग पार्शियल डिसीजन, ये हम थोड़ा सा मजीद उसको देखते हैं, ये हमारे पास दो बेसिक कंस्ट्रेंट्स हैं, ये थोड़ा सा आगे हमें मजीद पता चल जाता है। डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट क्या होता है, वो जो हम डी से देख रहे थे, स्पेसिफाइज दैट द सब क्लास ऑफ द स्पेशलाइजेशन मस्ट बी डिसजॉइंट। डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि जो सब क्लासेस हैं उनको वो डिसजॉइंट होना चाहिए, इसका मतलब है कि एन एंटिटी कैन बी अ मेंबर ऑफ एट मोस्ट वन ऑफ द सब क्लास ऑफ द स्पेशलाइजेशन। इसका ये मतलब है कि सुपर क्लास के जो भी मेंबर्स सब क्लासेस के अंदर आएंगे तो हर मेंबर को सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही सब क्लास का हिस्सा होना चाहिए, एक से ज्यादा सब क्लास का हिस्सा नहीं होना चाहिए।
मिसाल के तौर पर हम कहते हैं मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमारे पास एक इंस्टेंस है सुपर टाइप दैट इज एनिमल, ठीक है. इट कैन ओनली बी अ मेंबर ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द सब टाइप्स. मिसाल जैसे कि हम कहते हैं कि उसकी मजीद सब टाइप बना लेते हैं. एनिमल एक सुपर टाइप है और उसकी मजीद सब टाइप बनाते हैं, पांडा है, चीता है और डॉग है, ठीक है. अब जो भी एनिमल होगा, या वो पांडा होगा, या वो चीता होगा, या वो डॉग होगा, इन तीन सब क्लासेस से ही उस वो बिलोंग करता होगा. इन तीन के ऐसा नहीं कोई भी एनिमल होगा जो कि डॉग भी हो और वो चीता भी उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स हो, ठीक है. तो हम कहते हैं कि इस केस में हमारे पास जो हमारी क्लासेस हैं वो डिसजॉइंट हैं, ठीक है. डिसजॉइंट को हम ना स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. अगर वो डिसजॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है वो क्लासेस ओवरलैपिंग है. इसका मतलब ये है कि सुपर क्लास में जो भी एंटिटीज हैं तो वो नीचे, फॉर एग्जांपल एक ऊपर सुपर क्लास है, नीचे चार सब क्लासेस हैं. अब ऊपर सब क्लास की जो एंटिटीज रखी हुई हैं उनमें से माइट बी कोई एंटिटी ऐसी हो जो नीचे वाली तीनों सब क्लासेस से ताल्लुक रखती हो, वो तीनों में फॉल करती हो, या वो किसी दो में फॉल करती हो, ठीक है. इसका ये मतलब है कि जिस तरह हमने एनिमल की क्लास में देखा था कि एनिमल से आगे डॉग, कैट और लाइन है या चीता है, तो एनिमल किसी भी एक ही टाइप का होगा, मिक्स नहीं हो सकता. लेकिन ओवरलैपिंग के केस में हमारे पास ओवरलैपिंग हो सकती है. जैसे कि हम कह लेते हैं कि अगर हमारे पास एक सुपर क्लास है पर्सन की, और उस सुपर क्लास से आके हमारे पास तीन सब क्लासेस हैं, एक है वमेन की, एक है ड्राइवर की और एक है इंजीनियर की. अब ये भी हो सकता है कि जो भी पर्सन है वो द पर्सन कैन बी अ वुमन, ठीक है. ऑल्सो द सेम वुमन कैन बी अ ड्राइवर, ऑल्सो द सेम पर्सन कैन बी एन इंजीनियर. यानी कि पर्सन की क्लास से तीन सब क्लासेस ड्राइव हो रही हैं, एक वुमन की, ड्राइवर की और इंजीनियर की. तो हो सकता है कि कोई पर्सन ऐसा भी हो जो कि वुमन, ड्राइवर और इंजीनियर तीनों की कैटेगरी पर फॉल करता हो. इस तरह की सिचुएशन में हम कहते हैं कि ये ओवरलैपिंग हो रही है, और हम इसको स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं डबल ई आर डायग्राम्स के अंदर. जैसे हमारे पास ये वही पिछली वाली डायग्राम है, और इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास सेक्रेटरी, टेक्नीशियन और इंजीनियर, ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि ये आपस में ओवरलैप नहीं कर रही. सेक्रेटरी का अपना रोल है, टेक्नीशियन का अपना रोल है, इंजीनियर का अपना रोल है, ये तीनों बिल्कुल ही अलग हैं. तो हमने इसको डिसजॉइंट डी से रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है. इसी तरह से यहाँ पर हमें एक ओवरलैपिंग नजर आ रही है कि हमारे पास पार्ट्स की क्लास से मजीद मैन्युफैक्चर्ड पार्ट और परचेज पार्ट है. माइट बी पार्ट हमारे पास कोई ऐसा आ जाए जो कि मैन्युफैक्चर्ड भी हो और परचेज भी किया हुआ हो. सकता है कुछ पार्ट्स हमारे पास ऐसे हों जो सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड हों, ठीक है, कुछ ऐसे हों जो सिर्फ परचेज्ड हो, लेकिन कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो मैन्युफैक्चर्ड और परचेज दोनों के केस में हो सकते हैं. उस केस में ये वाला जो आपको सर्कल और उसके अंदर एक ओ नजर आ रहा है ना, ये इसका मतलब है कि दीज इज एन ओवरलैपिंग बिटवीन द टू, या फिर हम इसको ओवरलैपिंग कह लेते हैं, या फिर इसको नॉन डिसजॉइंट कह लेते हैं. कंस्ट्रेंट ऑन स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन. शुरू में हमने देखी है ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट क्या होती है. अब हमारे पास वो पहली जो स्टार्ट की स्लाइड में हमने मजीद नीचे दो चीजें पढ़ी थी, एक टोटल और एक पार्शल, वो क्या होता है. तो टोटल और पार्शल बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट है जो हमने पिछली में भी देखा था ईआर डायग्राम के अंदर. तो इधर भी वो वैसा ही है कि टोटल का मतलब है कि जनाब सारी की सारी एंटिटीज जो हैं, वो जो सुपर क्लास की सारी एंटिटीज नीचे सब क्लास की सारी हिस्सा बन जाएंगी, और हम उसको कहते हैं कि ये डबल लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. और जो पार्शल होता है उसका मतलब होता है कि जरूरी नहीं है कि सारी की सारी ऊपर वाली क्लास की एंटिटीज जो है वो नीचे सब क्लास का हिस्सा बन जाएंगी. उसको हम कहते हैं कि वो पार्शल पार्शली उसके अंदर क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं. टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब है ईच एंटिटी इज इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप, एंड टोटल पार्टिसिपेशन को हम डबल लाइन से कर रहे हैं. और पार्शल पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है, नॉट ऑल द एंटिटीज आर इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप,
और उसको हम पार्शली को डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वही वाली एग्जैक्टली वही सेम चीज है जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी है कि एक रिलेशनशिप है, तो अगर तो वो सारी की सारी एंटिटीज उस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं। मिसाल के तौर पर हमने जब कंपनी का जो डेटाबेस देखा था, तो कंपनी के डेटाबेस में हमने देखा था कि ऑल एम्प्लॉयज रिलेशनशिप है मिसाल के तौर पर वर्क्स फॉर, और यहाँ पर एक डिपार्टमेंट लिखा, तो एम्प्लॉयज वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, सारे के सारे एम्प्लॉई हमारे पास उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। इसी तरह से हमने देखा था कि नॉट ऑल एम्प्लॉयज आर वर्किंग एज अ मैनेजर इन द डिपार्टमेंट, तो मैं ये कहती हूँ ये मैनेजर है और ये रिलेशनशिप मैनेजर है, यहाँ से मैनेजर्स यहाँ के एम्प्लॉई मैनेजर के रिलेशनशिप में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो वो पार्शली पार्टिसिपेट करेंगे, वो सब के सब मैनेजर नहीं होंगे। हेंस वी हैव फोर टाइप्स ऑफ स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन। नंबर वन टोटल, टोटल जिसको हम डबल लाइन से कर रहे हैं कि जी ऊपर सब सुपर क्लास की सारी एंटिटीज सब क्लासेस का हिस्सा बन रही होंगी, और डिसजॉइंट का मतलब है वो सारी क्लासेस आपस में ओवरलैप नहीं होंगी, एक एंटिटी किसी एक सब क्लास का ही हिस्सा बन रहा होगा। इसी तरह से पार्शल, इसी तरह से टोटल एंड ओवरलैपिंग, पार्शल एंड डिसजॉइंट, फिर टोटल एंड ओवरलैपिंग और पार्शल एंड ओवरलैपिंग। जनरलाइजेशन इज यूजली टोटल बिकॉज द सुपर क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम द सब क्लासेस। ओके, एडिशनल कंस्ट्रेंट्स ऑन स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। अच्छा, इफ अ बूलियन कंडीशन कैन डिटरमिन एग्जैक्टली दोज एंटिटीज दैट विल बिकम मेंबर्स ऑफ सब क्लास, इट इज कॉल्ड प्रेडिकेट डिफाइंड सब क्लास। प्रेडिकेट को हम कहते हैं जी, कंडीशन भी हम कह लेते हैं, कंडीशन डिफाइंड सब क्लास। मिसाल के तौर पर ये थोड़ी सी चीज आपको यहाँ से समझ आ जाती है नेक्स्ट स्लाइड से डायरेक्टली। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि इफ वन एट्रीब्यूट डिफाइंस कंडीशंस फॉर ऑल सब क्लासेस इन स्पेशलाइजेशन, इट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट डिफाइंड स्पेशलाइजेशन। लाइन नहीं समझ आती, नो प्रॉब्लम, एग्जांपल से आपको समझ आएगी। मिसाल के तौर पर एट्रीब्यूट इज कॉल्ड, मिसाल के तौर पर जॉब टाइप, जॉब टाइप इज द डिफाइनिंग एट्रीब्यूट ऑफ द स्पेशलाइजेशन, सेक्रेटरी टेक्नीशियन इंजीनियर ऑफ एम्प्लॉई। अब जब हमने एम्प्लॉई से स्पेशलाइजेशन की सेक्रेटरी टेक्नीशियन और इंजीनियर, तो किस बेस पर की, वो हमने जिस बेस पर की वो एट्रीब्यूट था जॉब टाइप का, जॉब टाइप की बेस पर की, तो जॉब टाइप एक एट्रीब्यूट है, तो हम कह रहे हैं कि ये एक डिफाइनिंग एट्रीब्यूट है, और हमने जो स्पेशलाइजेशन की दैट इज एट्रीब्यूट डिफाइंड स्पेशलाइजेशन। उसके बाद आता है कि इफ नो कंडीशन डिटरमिन्स मेंबरशिप द सब क्लास इज यूजर डिफाइंड स्पेशलाइजेशन, यानी मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है जिसकी बेस पर मैं ये काम कर रही हूँ, तो हम कहते हैं वो यूजर डिफाइंड है। मेंबरशिप इन अ सब क्लास इज डिटरमिन्ड बाय द डेटाबेस यूजर्स, ठीक है, बाय एक्सप्लिसिटली एडिंग एन एंटिटी टू सब क्लास। एक्सप्लिसिटली हम कोई एंटिटी ऐड कर देते हैं सब क्लासेस में, और हम जो है उसको किस क्लास का हिस्सा बनाते हैं, ये डेटाबेस का जो यूजर है ना, जो उसको बना रहा है, वो उसको खुद उस वक्त डिफाइन करेगा, तो हम कहते हैं जी ये यूजर डिफाइंड स्पेशलाइजेशन है। इन अ प्रेडिकेट डिफाइंड या कंडीशन डिफाइंड सब क्लास जिसका हमने जिक्र किया, द सब क्लास मेंबरशिप ऑफ एन एंटिटी कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम इट्स एट्रीब्यूट वैल्यू, वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है, इन द सुपर क्लास। और यहाँ पे हम आपको शायद इसके आगे एग्जाम्पल भी गिवन हो, एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, आगे शायद पता नहीं है या नहीं है। ओके, उसके बाद आ जाती है जी स्पेशलाइजेशन या जनरलाइजेशन hierarchies, lattices and shared subclasses. Specialization, generalization की hierarchy कैसे बनेगी? Hierarchy कैसे बन रही है जी? Hierarchy एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हर subclass के सिर्फ और सिर्फ एक ही superclass है, और हम उसकी base पर
हर जो है वो एक ट्री स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है. कैसे बन जाता है जी, जो भी सब क्लास है उसके ऊपर बस एक ही सुपर क्लास है उसे, तो हम कहते हैं दैट इज अ हायरार्की. लेकिन लेटिस में क्या होता है, लेटिस में होता है कि अ सब क्लास कैन बी अ सब क्लास ऑफ मोर देन वन सुपर क्लासेस, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट. जब सिंपल इनहेरिटेंस है, ए से बी इनहेरिट, बी ए से इनहेरिट हो रही है, सी बी से इनहेरिट हो रही है, बिल्कुल सिंपल इनहेरिटेंस चल रही है, तो हम कहते हैं जी ये हायरार्की बन रही है. लेकिन जब हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी में से जो सी डी क्लास है वो बी और सी दोनों से इनहेरिट हो रही है, यानी उसके अब सिर्फ एक सुपर क्लास नहीं बल्कि एक से ज्यादा सुपर क्लास है, तो उस केस में हम कहते हैं कि वो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रही है और उसको लेटिस कहते हैं. मिसाल के तौर पर यहाँ पर सेक्रेटरी टेक्नीशियन और इंजीनियर है और ये तीनों के तीनों इनहेरिट हो रहे हैं एम्प्लॉय से. इसी तरह से हमारे पास मैनेजर भी इनहेरिट हो रहा है एम्प्लॉय से, आर्ली और सैलरीड एम्प्लॉय भी इनहेरिट हो रही है एम्प्लॉय से, और ये सिंपल सिंगल इनहेरिटेंस हो रही है, तो हम इसको कहते हैं ये एक हायरार्की बन गई. लेकिन जब हम इंजीनियरिंग मैनेजर को देखते हैं तो ये हमारे पास इंजीनियर से भी आ रहा है, मैनेजर से भी आ रहा है और सैलरीड एम्प्लॉय से भी आ रही है, यानी ये एक ऐसी सब क्लास है जिसके ऊपर तीन सुपर क्लासेस मौजूद हैं. इससे पहले तक जो ऊपर वाली ये सारी इस वाहिद इस एक क्लास को छोड़ के बाकी जितनी सारी हैं वो उन सब की एक एक ही सुपर क्लास है. लेकिन अब इंजीनियरिंग मैनेजर वाहिद वो एक ऐसी सब क्लास है जिसके ऊपर एक सुपर क्लास नहीं है बल्कि वो एक से ज्यादा क्लासेस से इनहेरिट हो रही है, तो हम इसको कहेंगे नाउ इट इज नॉट अ हायरार्की बट इट इज लैटिस. इन अ लैटिस और हायरार्की अ सब क्लास इनहेरिट्स एट्रीब्यूट्स नॉट ओनली ऑफ इट्स डायरेक्ट सुपर क्लास बट ऑल्सो ऑफ इट्स एंसेस्टर सुपर क्लासेस ऑल द वे टू द रूट. इसका मतलब है कि जब भी हमारे पास ये वाला एक लैटिस के केस में हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो सिर्फ एक से नहीं इनहेरिट हो रहे होंगे, यानी ये नहीं होगा कि सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय के हैं बल्कि इसमें सैलरीड एम्प्लॉय मैनेजर इंजीनियर सबके आ रहे होंगे, और इससे पीछे अगर इसके ऊपर मजीद कोई इंसेस्टर क्लास है तो उधर से भी आ रहे होंगे. ठीक है, सब तरफ से इसके अंदर एट्रीब्यूट्स आ रहे होंगे. ओके, कैन हैव स्पेशलाइजेशन हायरार्कीज और लैटिस, जनरलाइजेशन हायरार्कीज और लैटिस, और डिपेंडिंग ऑन हाउ दे वर ड्राइव्ड. जनरली क्या कहते हैं, जनरली कैन जस्ट यूज द टर्म स्पेशलाइजेशन टू स्टैंड फॉर द एंड रिजल्ट ऑफ इधर स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन. वो कह रहे हैं कि आमतौर पर जब भी हम कोई स्पेशलाइजेशन या जनरलाइजेशन कर लेते हैं तो हम उसके लिए आमतौर पर जो है ना वो आमतौर पर जनरली हम स्पेशलाइजेशन की टर्म भी इस्तेमाल कर लेते हैं. ओके, अब ये वो एग्जाम्पल जो आपको पीछे बताया गया कि वो लैटिस के केस में एट्रीब्यूट सिर्फ एक जगह से इनहेरिट नहीं हो रहे बल्कि मल्टीपल से इनहेरिट हो रहे होंगे, ये वही वाली एग्जाम्पल आ जाती है आपके सामने. एग्जाम्पल है जी 8.7 जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, शोज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन इन यूनिवर्सिटी डेटाबेस. यहाँ पर देखें डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन है यूनिवर्सिटी की डेटाबेस में, एम्प्लॉई है, एलुमनाई है, स्टूडेंट है, स्टाफ है, फैकल्टी है, स्टूडेंट असिस्टेंट है, ग्रेजुएट असिस्टेंट है, अंडर ग्रेड स्टूडेंट है, रिसर्च असिस्टेंट है, टीचिंग असिस्टेंट है, ये सारे के सारे एक यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बना रहे हैं. फिर कहते हैं कि जी स्टूडेंट असिस्टेंट इज द ओनली शेयर्ड सब क्लासेस. अब इसमें देखें अगर शुरू से देखें तो एम्प्लॉई, एलुमनाई, स्टूडेंट ये सब के सब एक से इनहेरिट है, इसी तरह से स्टाफ, स्टूडेंट, ग्रेजुएट असिस्टेंट, अंडर ग्रेड ये दोनों भी स्टूडेंट से इनहेरिट है, स्टाफ और फैकल्टी भी एक से इनहेरिट है, रिसर्च असिस्टेंट, टीचिंग असिस्टेंट ये भी एक से इनहेरिट है. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टूडेंट असिस्टेंट वाहिद एक ऐसी क्लास है जो कि एम्प्लॉय से भी इनहेरिट हो रही है और स्टूडेंट से भी इनहेरिट हो रही है. ठीक है, तो क्या कहते हैं उसके केस में क्या होता है, अ शेयर्ड सब क्लास इनहेरिट्स एट्रीब्यूट्स ओनली वंस फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, स्टूडेंट असिस्टेंट इनहेरिट्स पर्सन एट्रीब्यूट ओनली वंस. अब यहाँ पे हमने देखा था पीछे के जब भी कोई क्लास एक से ज्यादा क्लासेस से इनहेरिट है तो वो सब की सब जहां जहां से जो जो उसके पेरेंट क्लास बनते हैं उन सब से वो इनहेरिट कर रही है अपने एट्रीब्यूट्स वगैरह. और इस केस में जब उसका एंसेस्टर क्लास होगी जो कि उसके पेरेंट तो नहीं खैर ग्रैंड पेरेंट क्लास है इस केस में उसको कहें, तो ग्रैंड पेरेंट के केस में आप देखें फॉर एग्जांपल पर्सन का एक एट्रीब्यूट एम्प्लॉई और स्टूडेंट के अंदर आता है. अब यहाँ पर भी वो एक एट्रीब्यूट मिसाल के तौर पर उस एट्रीब्यूट का नाम रख देते हैं A1. अब पर्सन से एक एट्रीब्यूट इनहेरिट हुआ A1, स्टूडेंट में भी है, A1 एम्प्लॉय में भी है. अब चूंकि ये दोनों क्लासेस से आगे नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इनहेरिट हो रहा है स्टूडेंट असिस्टेंट, तो A1 यहाँ से भी आ रहा होगा और A1 यहाँ से भी आ रहा होगा,
तो आपको बताने का मकसद है कि जब इस तरह का केस हो तो आपके पास जो तो इसके पेरेंट्स के एट्रीब्यूट्स हैं वो डायरेक्ट सारे के सारे आएंगे, लेकिन कोई ऐसा एट्रीब्यूट जो कि उसके ग्रैंड पेरेंट क्लास से आ रहा है तो वो वाला एट्रीब्यूट जो है वो सिर्फ एक दफा आएगा। और हम ये फर्ज कर लेते हैं कि स्टूडेंट असिस्टेंट इस केस में सिर्फ एम्प्लॉय क्लास से वो एक कॉमन एट्रीब्यूट पर्सन क्लास से, जो पर्सन क्लास जो एट्रीब्यूट कॉमनली एम्प्लॉयर स्टूडेंट में इनहेरिट हुआ वो सिर्फ एक रास्ते से ही स्टूडेंट असिस्टेंट के पास आ सकता है। यही वाली चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है। ये वही वाली चीज है जी। अब आप अगर आपको स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन समझ आ गई है तो हम बता देते हैं आपको कि जो स्पेशलाइजेशन होती है हम उसको कहते हैं कि दैट इज टॉप डाउन कंसेप्चुअल रिफाइनमेंट प्रोसेस। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने देखा कि हमने एम्प्लॉय से आगे टेक्नीशियन और इंजीनियर और एक और तीसरी क्लास इनहेरिट की थी, तो हमने क्योंकि ऊपर वाली क्लास को नीचे में तकसीम किया था तो हम उसे कहते हैं दैट इज टॉप डाउन अप्रोच। और जनरलाइजेशन में जैसा कि हमने कार और ट्रक वाले एग्जांपल में देखा था, तो कार और ट्रक के कॉमन एट्रीब्यूट्स निकाल के हमने एक व्हीकल की क्लास बना के उसके अंदर डाल दिया था, तो हम उसको कहते हैं बॉटम अप, क्योंकि बॉटम नीचे वाली क्लासेस से शुरू करके हम ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो उसको हम कहते हैं बॉटम अप कंसेप्चुअल सिंथेसिस प्रोसेस। ओके, यूनियन टाइप क्या है जी? ऑल ऑफ द, अब यहाँ तक हमारी अगर चीज़ें क्लियर हैं तो बस हमारा जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। इसमें मजीद एक छोटी सी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी सी यूनियन या कैटेगरीज या यूनियन टाइप, और इसमें क्या हमें बताते हैं जी ऑल ऑफ द, ये छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसके अंदर हमें वो बताता है कि हमारे पास ऑल ऑफ द सुपर क्लास सब क्लास रिलेशनशिप वी हैव सीन दस फार हैव अ सिंगल सुपर क्लास। ये अभी तक हमने देखा है कि हर दफा ही जो भी सब क्लास होती थी उसकी सिर्फ एक सुपर क्लास होती थी। ओके, फिर उसके बाद क्या होता था कि कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा सुपर क्लास हो सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा एक सब क्लास की एक ही सुपर क्लास हो। वो कहता है कि अब हमारे पास वो केस भी हो सकते हैं कि जब हमारे पास सब क्लास की मोर देन वन सुपर क्लास से रिलेशन हो। द सुपर क्लास कैन रिप्रेजेंट डिफरेंट एंटिटी, सच अ सब क्लास इज कॉल्ड कैटेगरी और यूनियन टाइप। डायरेक्ट आपको मिसाल दिखाते हैं फिर आपको समझ आता है। इसको थोड़ा सा छोटा करती हूँ मैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जी, एक गाड़ी है तो गाड़ी का ओनर कौन होगा? गाड़ी का ओनर, ये एग्जांपल यहाँ पर ही लिखी हुई है। एक हमारे पास डेटाबेस है व्हीकल रजिस्ट्रेशन का, और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के डेटाबेस में हम देखते हैं कि व्हीकल का ओनर एक पर्सन भी हो सकता है, कोई बैंक भी हो सकता है, या कोई कंपनी भी हो सकती है, क्योंकि वो तीन डिफरेंट हैं लेकिन हैं वो सबके सब ओनर ही, तीन डिफरेंट लोग हैं लेकिन हैं वो सबके सब ओनर ही। तो हम क्या करते हैं कि हम एक कैटेगरी यूनियन, जिसका नाम हम रख लेते हैं कैटेगरी या यूनियन टाइप, जो भी आप इसको कह लो, हम एक कैटेगरी बना लेते हैं ओनर की, वो हम क्रिएट करते हैं। और हम क्या करते हैं, इट इज क्रिएटेड टू रिप्रेजेंट अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ द थ्री सुपर क्लास, कंपनी, बैंक और पर्सन। जैसे यहाँ पर अब हमने क्या किया, जो भी हमारे पास रजिस्टर्ड व्हीकल है उसका कोई ना कोई ओनर है। अब वो हमने बताया था रजिस्टर्ड व्हीकल का ओनर कंपनी भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है और पर्सन भी हो सकता है, गाड़ी एक ही है। तो हमने क्या किया, ये हमने बनाया यूनियन या कैटेगरी, इसको कह रहे हैं, हाँ जी कैटेगरी कह रहे हैं, कैटेगरी बनाया, ओनर इसका नाम रखा, और हमने इससे हमने यू का साइन, यू गोल सर्कल के अंदर यू लिखा, यूनियन करके हमने इन तीनों चीजों को यूनियन कर दिया, पर्सन भी, बैंक भी और कंपनी भी, और ये ओन्स के रिलेशनशिप के साथ हमने इसको रजिस्टर्ड व्हीकल के साथ डाल दिया, ठीक है। तो कैटेगरी कॉल्ड ओनर इज क्रिएटेड टू रिप्रेजेंट अ सबसेट ऑफ द यूनियन ऑफ दीज थ्री सब क्लासेस, सॉरी थ्री सुपर क्लासेस। ओके, कैटेगरी मेंबर must exist in at least one of the super class. तो आपका जो भी गाड़ी आ रही है या तो उनमें से वो उन तीनों में से किसी एक का हिस्सा होगी, हो सकता वो गाड़ी एक वक्त में या बैंक की होगी या वो किसी एक पर्सन की होगी या वो किसी एक कंपनी के नाम पर होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो
एक से ज्यादा। जो हमने पीछे एग्जाम्पल देखी थी उसमें हमने देखा था कि कार और ट्रक जो है वो रजिस्टर्ड व्हीकल, यानी ये दो सब क्लासेस हैं लेकिन इनकी सुपर क्लास एक ही है। अब हमारे पास एक नई चीज है इस पिक्चर से थोड़ी सी ऊपर जाके, कि हमारे पास सब क्लास एक है लेकिन सुपर क्लासेस मोर देन वन है। जब सुपर क्लासेस मोर देन वन है तो उनका कॉमन फीचर क्या निकला कि जी ओनर है। तो हमने ओनर के लिहाज से उनको यू यू के सिंबल के साथ अटैच किया और इस रिलेशनशिप में इसको ऐड कर। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ डबल ईयर स्कीमा डायग्राम्स, ये आपके सामने दो स्कीमा डायग्राम्स हैं, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है चूंकि हमने चैप्टर के अंदर जो भी चीजें पढ़ी हैं ये सब के सब ही इसके अंदर, थोड़ा सा मैं इसको जूम करती हूँ, ये सब के सब भी इसके अंदर एड जो है वो शामिल है। सारी की सारी चीजें जो हमने डिस्कस की हैं, जैसे अब पर्सन, ये यूनिवर्सिटी का एक स्कीमा दिखाया हुआ है, जैसे पर्सन है, स्टूडेंट है, फैकल्टी है, ग्रेड स्टूडेंट है, डिपार्टमेंट है, ये सारी एंटिटीज हैं इनकी या क्लासेज हैं, यहाँ पर हम क्लासेस भी कह रहे हैं इसको। फिर स्मॉल सर्कल्स में आपको इसके एट्रीब्यूट दिखाई दे रहे हैं। फिर डी से हमने देखा कि पर्सन से हमने फैकल्टी और स्टूडेंट हमने निकाला है, तो हम देखेंगे कि जी पर्सन से हमने जब स्टूडेंट और फैकल्टी निकाला है तो ये डी का मतलब टोटल है या ये कोई डिसज्वाइंट है या ये ओवरलैपिंग है, तो हमने डी से बता दिया जी ये डिसज्वाइंट है। फिर हम देखते हैं जी हमने फैकल्टी और ग्रेड स्टूडेंट से हमारे पास एक इंस्ट्रक्टर रिसर्चर आ रहा है, तो ये चूंकि कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, सॉरी कॉम्बिनेशन कह रही हूँ, ये ग्रेड भी स्टूडेंट भी हो सकता है और ये फैकल्टी मेंबर भी हो सकता है, तो ये यहाँ पर आ गया। और इसी तरह ये सारे कॉन्सेप्ट जो हमने देखे हैं, इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड पर आपको एक नजर आ रहा है स्कीमा डायग्राम ऑफ अ स्मॉल एयरपोर्ट डेटाबेस। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ऑल्टरनेटिव डायग्रामेटिक नोटेशंस। तो हमने अभी तक तो ईआर और डबल ईआर डायग्राम्स आर स्पेसिफिक नोटेशन फॉर डिस्प्लेइंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनहांस्ड मॉडल डायग्रामेटिकली। डीबी डिजाइन टूल्स यूज मेनी ऑल्टरनेटिव नोटेशंस फॉर द सेम और सिमिलर कॉन्सेप्ट्स। वन मोर पॉपुलर ऑल्टरनेटिव नोटेशन यूजेज यूएमएल क्लास डायग्राम, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। अब सारी चीजें वही हैं कि क्लास डायग्राम किस तरह बनानी थी, ये मैंने आपको बताया था कि क्लास का नाम, एट्रीब्यूट का नाम और उसके एट्रीब्यूट्स और ये सारी वही चीजें हैं, लेकिन अब इसके अंदर हमें वो जो चीज ये इस फिगर से दिखाना चाह रहा है वो जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट असिस्टेंट है तो इससे आगे वो टीचिंग असिस्टेंट या रिसर्च असिस्टेंट, ये दोनों इससे बन जाते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास स्टूडेंट है तो हमारे पास वो स्टूडेंट अंडर ग्रेड का या ग्रेड का हमारे पास हो जाता है, या ये हमारे पास हो जाती है जी स्पेशलाइजेशन। या फिर अगर मैं यहाँ उल्टा शुरू करूँ तो मैं कहूँगी जी ग्रेड स्टूडेंट या अंडर ग्रेड स्टूडेंट की एक हमने एक जनरल शक्ल बना ली, दैट इज स्टूडेंट। इस तरह से आर ए और टी ए की हमने एक जनरल जो क्लास बनाई, दैट इज स्टूडेंट असिस्टेंट। इस तरह से स्टूडेंट असिस्टेंट फैकल्टी स्टाफ दे कैन बी मोर जनरलाइज्ड एज एम्प्लॉय। ये वाली जो चीजें ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। ऑन्टोलॉजीज, ऑन्टोलॉजीज में वो बस यही बता रहा है कि जी कॉन्सेप्चुअली ऑन्टोलॉजीज यूज कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग एंड अदर टूल्स टू डेवलप, क्या डेवलप करना है जी, स्पेसिफिकेशन ऑफ अ कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। स्पेसिफिकेशन क्या है? स्पेसिफिकेशन रेफर्स टू द लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी यूज्ड। जिस तरह भी हम जो डाटा मॉडल के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें, इस तरह के कोई डाटा मॉडल कॉन्सेप्ट होंगे और कोई लैंग्वेज होगी उसको इस्तेमाल करते हुए हम क्या बनाएंगे, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन रेफर्स टू द डिस्क्रिप्शन या स्कीमा ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज एंड द रिलेशनशिप अमंग दीज कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, और इस तरह मेडिकल में, साइंटिफिक में, इंजीनियरिंग में इस तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं। एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट समझ दिखा देती हूँ कि जी ऑन्टोलॉजी में एग्जाम्पल ऑफ ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज एंड टूल, मिसाल के तौर पर प्रोटीज जो है वो एक एडिटर है दैट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट एंड एडिट ऑन्टोलॉजीज। इसी तरह से ओडब्ल्यूएल ऑन्टोलॉजी वेब लैंग्वेज क्या है जी, अ लैंग्वेज फॉर स्पेसिफाइंग ऑन्टोलॉजीज, एक्सेप्ट ऑन्टोलॉजी स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड इन एक्सएमएल एंड आरडीएफ स्कीमा। यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है जी एंड। और यहाँ पर अब हमारे पास नेक्स्ट जो थोड़ा सा आ रहा है दैट इज समरी ऑफ फॉर्मल डेफिनेशंस ऑफ ईआर। ये वही सारी चीजें जो अभी हमने डिस्कस की हैं, और ये स्पेशलाइजेशन क्या है, मजीद सब क्लासेस क्या है, कैटेगरी यूनियन टाइप क्या है, और ये चैप्टर 8 की समरी। ये मजीद ये जो आपको अब दिखाई दे रही है ना स्लाइड नंबर 44, 45, 46, 47, ये सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं, लेकिन बस इसके अंदर अब जो है ना वो एक बहुत फॉर्मल तरीके से जिस तरह बुक्स के अंदर लिखा होता है, ये सारी बात वही है लेकिन फॉर्मल तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया। अगर इसमें से अभी भी आपको कोई मसला होगा तो वो हम इंशाल्लाह QA सेशन में इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी तक के लिए आई होप कि आप लोग इसे जब सुनेंगे तो आप लोगों को ये समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।